होने का डर, फेयर ऑफ लूजिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज रिक्वेस्टेड मी टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट. सो मैंने सोचा चलो आज इसी टॉपिक पे बात किया जाए कि खोने का डर क्या होता है और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं. अगर और एक चीज हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी मैं हूँ या कोई भी वो व्यक्ति जो आपसे बात करता है या कोई मोटिवेशन की बात करता है, इंस्पायर करता है, वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में बात करने की कोशिश करता है और पॉजिटिव ही बात करता है, उसको नेगेटिव सेंस में लेके मत जाइएगा. सो कोई भी हम बात करते हैं उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट के हिसाब से ही हमको देखना है और उसी का इम्पैक्ट तभी लाइफ में होगा जब आप उसको पॉजिटिवली सोचेंगे. सो फेयर ऑफ लूजिंग में अगर हम बात करते हैं आज की डेट में कि हर किसी को खोने का डर रहता है और उस डर की वजह से वो स्टेप नहीं उठा पाते जो उनको एक्चुअली उठाने चाहिए. कई बार लोगों का मैंने सुना है और इनफैक्ट देखा है, कई लोग मैंने ऐसे देखे कि ऐसा डर होता है कि अगर मैं ड्राइविंग करूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इसके लिए मैं कार ही नहीं सीखता हूँ, कार चलाना नहीं सीखता हूँ. समटाइम वी फील कि अगर मैं साइकिलिंग चलाऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी. अरे भैया, आप कभी ये सोचिए कि अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ सीखेंगे, आपको कुछ खोने का उसमें डर नहीं है. चोट लगेगी तो लगेगी, क्योंकि आगे बढ़ना है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उस डर से बाहर आना पड़ेगा. डर जो ये जो हमारा जो खोने का डर है, ये और कुछ नहीं, हमारा एक माइंडसेट है जो हम लोगों ने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया है कि अगर मैं ये करता हूँ तो शायद मेरे साथ ये हो सकता है. इसके लिए उस चक्कर में आप वो स्टेप को उठाते नहीं हैं. कई बार हमने ये भी देखा कि कई लोग नॉर्मली जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम इंटरव्यू देंगे नहीं, मैं नहीं, अगर इंटरव्यू हमने सही से नहीं दिया तो क्या होगा, तो इंटरव्यू की तैयारी करिए. यस, इंटरव्यू की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाय चांस आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और सिलेक्शन ना होने के कई कारण होते हैं, ये नहीं कि आपका जो कैंडिडेट है वो ख़राब है, देर आर सो मेनी रीजन. सो कई बार क्या होता है कि इस डर से हम इंटरव्यू जब देने के लिए जाते हैं तो हमें डर में रहता है मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, एंड देन हमारा वास्तव में सिलेक्शन नहीं होता बिकॉज हम लोग उस टाइम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी. माई डियर फ्रेंड, अगर आप इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं तो बेफिक्र होकर जाइए, क्योंकि आप कुछ खोने वाले ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास जॉब है या आप एफर्ट्स डाल रहे हैं नई जॉब के लिए, आपको मिलेगा अगर आप एफर्ट्स सीरियसली डालते हैं तो. आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि आज आप एक इंटरव्यू में अगर रिजेक्ट होते हैं या दूसरे में रिजेक्ट होते हैं तो यू लर्न समथिंग. सो खोने के लिए कुछ भी नहीं है उसमें, इस एस्पेक्ट से आप उसको सोचिए. और सबसे बड़ी बात, इनफैक्ट इस छोटे वीडियो में आई कैन नॉट गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स, बट एक और एग्जांपल मैं आप देख सकता हूँ कि आप आज की डेट में अगर आप उन व्यक्तियों के पास जाइए जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, और उनको जाके ये सवाल पूछे कि भाई आपको नहीं लगता है कि अगर आप ये सब चीज़ करते हैं तो यू विल लूज योर फैमिली, आपको ऐसी क्या चीज़ इंस्पायर करती है कि आप स्टिल जानते हुए कि आप अपनी फैमिली को लूज करेंगे, आप उनसे दूर चले जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इसका अल्टीमेटली इसका जो अंजाम है वो मौत है. तो आप उनसे जाके पूछिए कि क्या उनके दिमाग में आता है. सो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक आपको समझने को मौका मिलेगा कि क्या उनको इंस्पायर करता है, दूसरा ये बात से जब आप उनको जाके पूछेंगे तो शायद वो ड्रिंक और स्मोक करना शायद छोड़ दें. एंड लास्ट, आप अपने को उन लोगों के साथ क्राउडेड कीजिए जो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, जो अपने डर के आगे जीत, जो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, उस डर से बाहर आ चुके हैं और उसमें उन्होंने सक्सीड किया है, राइट. तो अल्टीमेटली इन अ कंक्लूजन, फेयर ऑफ लूजिंग इज नथिंग बट ए माइंड सेट. यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट एंड यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग टूवर्ड्स इट, सो दैट जो डर है वो डर बाहर आइए, फोबिया कहते हैं उसको, उस डर से बाहर आइए. थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग चेन फॉर लाइफ.